तो जैसा आप देख रहे होंगे ये मैनुअल कार है, तो अब देखते हैं ये अपन ने इसका फर्स्ट गियर डाला और मैं धीरे, ये देखो आप मेरा पैर, देखो आप मेरा पैर बिल्कुल अभी ऊंचा है, ये क्या क्या था मुझे भाई, बहुत बड़े नहीं पत्थर तो यार। ओके तो विशाल जी, अभी आप कौन सी गाड़ी ओन कर रहे हैं, अभी आप कौन सा वेरिएंट है? फोर्ड इको स्पोर्ट 2021 डीजल वेरिएंट है, टाइटेनियम मॉडल, सेकंड टॉप। अच्छा सेकंड टॉप मॉडल है, तो अभी तक का आपका कैसा एक्सपीरियंस है पूरा कार का? दो साल में ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर चला दिए मैंने। ओके ड्राइवर्स कार बोल सकते हो आप, आई एम एंजॉयिंग द एक्सपीरियंस। अच्छा तो कार मतलब बहुत अच्छी लग रही है आपको, तो इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है गाड़ी का? इंजन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, फोर्ड का जो मैंने सुना था पहले जी, इंजन बहुत अच्छे आते हैं फोर्ड के। अच्छा परफॉर्मेंस अच्छी है, बीएचपी अच्छी है, टॉर्क अच्छा है, आप अगर तरीके से चलाओगे तो एवरेज भी अच्छा निकाल देती है गाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस वे पे ओके तो ऑलमोस्ट 20 का निकाल देती है, 21 का 20 का एवरेज हाईवे पे, तो काफी अच्छा एवरेज है, तो ये तो काफी अच्छा एवरेज है देखा जाए तो डीजल गाड़ी में 80-90 के बीच की स्पीड रहती है। अच्छा अच्छा, और ये टर्बो, इसका टर्बो इंजन है इसका राइट, तो आपको अगर इतना एवरेज मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल की गाड़ियों में इतना एवरेज आपको नहीं कर सकते अपन एक्सपेक्ट इतनी बड़ी गाड़ी से। एक डिपेंड करता है कि आप एक्सेलरेट कितना कर रहे हो, हार्ड कर रहे हो, सॉफ्ट कर रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कभी आप गाड़ी अपनी पहाड़ों में लेके गए, कभी हिली एरिया में? आप हिली एरिया में तो ऐसा सच नहीं लेके गया हूँ मैं, लेकिन जो छोटे मोटे डेस्टिनेशन है जैसे जयपुर में नाहरगढ़ है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे गाड़ी ने आपको कभी लगा आपको कभी पावर लैग हो फर्स्ट सेकंड गियर में, या कभी ऐसा लगा फील हुआ कभी आपको ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे तो सिर्फ क्लच छोड़ना पड़ रहा था क्योंकि इसका टॉर्क अच्छा है, टर्बो लैग नहीं है सबसे बड़ी बात। अच्छा, अच्छा गाड़ियों में मैंने देखा है कि 2000 आरपीएम तक टर्बो लैग रहता है। अच्छा इस गाड़ी में 1500 आरपीएम के आसपास वो टर्बो लैग खत्म हो जाता है, तो आपको पावर जल्दी मिल जाती है। अच्छा तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अभी ऐसा? तो आपको जब आपने गाड़ी 2021 में ये परचेज करी थी, तो उसके जस्ट एक साल बाद 2022 में 20 जुलाई को कंपनी शट डाउन हो गई थी, कंपनी ने इंडिया से अपना बोरा बिस्तर उठा के कंपनी चली गई थी यहाँ से, तो उस टाइम आपको कैसा फील हुआ कि यार मैंने गाड़ी लेके गलती कर दी, मैं फंस गया गाड़ी लेके, ऐसा कुछ आपको लगा? ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। अच्छा मुझे पहले इंटेंशन थी कि इंटुएशन थी कि होने वाली है बंद, ऐसा कुछ था मुझे पता था कि होगी, पर फोर्ड की परफॉर्मेंस पता है पहले से और मार्केट में पार्ट्स अवेलेबल हैं, पुरानी गाड़ी हो चुकी है और इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कुछ पार्ट्स, तो मिल रहे हैं अवेलेबल हैं और सर्विस बता रही है कंपनी दे रही है 5 साल देगी। अच्छा तो अभी तक आपकी कितनी सर्विस हो चुकी है गाड़ी की अभी तक? सर्विस हो चुकी है। अच्छा जो कंपनी की, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपको फ्री सर्विस का और पेड सर्विस का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा सर्विस का इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि फोर्ड का पहले एक कार प्लैटिनम था कि जी बहुत ज़्यादा महंगी सर्विस होती है। अच्छा ओके कुछ नहीं है, जितना बताया जाता है आपको सर्विस कॉस्ट उसी के अंदर पड़ती है आपको सर्विस। ओके और बिल्कुल जेन्युइन सर्विस होती है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। अच्छा एक्चुअली हमने बहुत वीडियो में ऐसा देखा है, लोग बोलते हैं कि हमारे जेब पे फोर्ड इको स्पोर्ट बहुत भारी पड़ रही, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मिथ है, मतलब ये सब मिथ है। विशाल जी आप बताएंगे कि आपकी 10,000 और 20,000 किलोमीटर गाड़ी में सर्विस में कितने आपने पैसे पे किए थे आपको याद हो तो? याद एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन अराउंड फर्स्ट सर्विस में मैंने कुछ 2,800 रुपये पे किए थे। ओके सेकेंड सर्विस में मैंने 3,500-4,000। तो ये तो काफ़ी अच्छे फिगर है, इतनी बड़ी अगर आपके पास SUV गाड़ी है तो इतना डीजल में। और वो भी डीजल में, जबकि अच्छा इसमें DEF है या फिर नहीं है? DPF फिल्टर तो है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ओके जो इसका एग्जॉस्ट में लगता है इंजन से ही। ओके वो इसका चेंज भी हुआ था, कंपनी से रिकॉल आया था इस गाड़ी के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, सभी गाड़ियों का चेंज हुआ था उस मॉडल का, 2021 मॉडल का। ओके 93,000 का पार्ट था। अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हुआ है। अच्छा उस पर आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था।
दिखा दिया। तो विशाल जी आप कार से मतलब पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं गाड़ी से, एकदम बिल्कुल अच्छी सी कार है। तो गाइस अभी हाँ बताइए, पॉकेट फ्रेंडली है, कम बजट में सारी चीजें मिल गई मुझे, मुझे जो जो चाहिए था उस टाइम के हिसाब से। आजकल सारे फीचर्स होते हैं, टच स्क्रीन हो गया, सनरूफ हो गया, अलॉय व्हील हो गए, ये बेसिक फीचर्स है जो मतलब हर गाड़ी में आजकल चाहिए सबको, तो उसका एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़े। वो मैंने बहुत रिसर्च करके सारी गाड़ियाँ इसी सेगमेंट की चला के फिर मैंने देखा ये कि इसको फाइनल किया जाए। तो विशाल जी आपको ये गाड़ी ऑन रोड कितने की पड़ी है? ये ऑन रोड उस टाइम पे पड़ रही थी 13 लाख रुपए की। अच्छा, ये सेकंड टॉप मॉडल है। ओके, और टॉप मॉडल और इसमें 4-5 फीचर्स हैं बेसिक। अच्छा, जो डिफरेंस था जैसे ऑटोमेटिक हेडलाइट, ऑटोमेटिक वाइपर, क्रूज कंट्रोल। ओके, यही 4-5 फीचर्स थे जो डिफरेंस था। बाकी डिफरेंस प्राइस में फिर टॉप मॉडल मेरे को पड़ रही थी 15 लाख के आसपास, 15-15.5 लाख, ये मुझे 13 के अंदर पड़ गई, 13 के आसपास। तो 2 लाख का 4-5 फीचर्स के लिए कोई मेरे को वर्थ नहीं लगा। हाँ बिल्कुल, इसमें मुझे सारी चीज़ें मिल गई, सनरूफ है, टच स्क्रीन है और 5 अलॉय व्हील हैं, सबसे बड़ी बात मेरे को वर्थ लगी है प्राइस के हिसाब से। बाकी गाड़ियों में एक अलॉय व्हील नहीं मिलता अपने को स्टेपनी में, किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता मोस्टली। हाँ, आप तो बिल्कुल किसी सब गाड़ी में मिलना बंद हो गया। एक साइज छोटा आता है, साइज बिल्कुल साइज का बहुत फर्क पड़ता है। एक तो वही, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सारा सेम साइज के टायर्स हैं, सेम अलॉय व्हील। ओके, तो बहुत अच्छी है इसका। तो मतलब देखा जाए तो फोर्ड कंपनी अगर इंडिया में रहती अभी तो मेरे हिसाब से और अच्छी अच्छी गाड़ी निकाल सकती थी। इसके अपग्रेड वर्जन भी और आ सकते थे, जैसे कि अभी बाहर जैसे गाड़ियाँ नई लॉन्च हुई है फेक फोर्ड की, इको स्पोर्ट्स अभी हाल ही में लॉन्च होने वाली है, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। तो ये अपना ओवरऑल कार है, देखिए यार इतनी प्यारी गाड़ी है। मतलब अभी जो गाड़ियाँ आती है ना, क्रेटा, सेल्टॉस जो गाड़ियाँ आती है, अगर आप सही मायने में देखा जाए तो ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। इसका लुक देखो आप कितना प्यारा है, और ब्लैक कलर में तो बहुत ही मस्त है। ये इसके एलॉय, और गाड़ी के अंदर जाते हैं अपन। तो ये देखिए ऐसा इसका इंटीरियर है, ये गाड़ी अपन पोस्ट स्टार्ट भी आपको मिलता है यार, और ये फोर्ड का शानदार एनिमेशन। ये देखिए डीजल इंजन बिल्कुल बहुत ही कम आवाज, जैसा ये आप सुन सकते होंगे अभी। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट कैबिन है इसका, बिल्कुल भी नॉइस नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल साइलेंट कैबिन, एकदम शानदार वाला। और स्पेशियस गाड़ी बहुत ज़्यादा है, बहुत गाड़ी में स्पेस है। इसकी सीट में पीछे करता हूँ तो देखो आप इतना मुझे स्पेस मिलता है। विशाल जी की हाइट 6'2" है, वो काफ़ी कम्फर्टेबल आराम से इसमें बैठ पाते हैं, तो मेरी हाइट तो फिर भी 6 फिट है, और इंडिया में वैसे हाइट लोगों की नॉर्मली 5'8" 5'11" ही होती है। तो इस तरीके का इसका इंटीरियर है, और यार इस गाड़ी में सनरूफ भी आता है। लेकिन खुलता कहाँ से, इधर से खुलता है ना, पहले हटाना सॉरी। तो ये देखिए ये इसका सनरूफ है, इतना छोटा सा प्यारा सा। ये देखिए तो ये सनरूफ काफ़ी अच्छा है, और इस बजट में यार सनरूफ आपको मिल रहा है फोर्ड। ये सनरूफ ने बंद कर दिया, तो अभी इस गाड़ी को अपन चला के देखेंगे एक बार। अभी अपन गाड़ी को चला के देखेंगे गाड़ी कैसी चलती है, गाड़ी में पावर है भी या नहीं है, कैसी गाड़ी। तो जो अमेरिका की गाड़ी है फोर्ड, इसमें देखें कितना पावर है, कि इंडिया के हिसाब से ही गाड़ी बनाई गई है या फिर सही में इसमें पावर है, तो अभी अपन एक्सपीरियंस करते हैं। तो जैसा आप देख रहे होंगे ये मैनुअल कार है, तो अब देखते हैं अपन ने इसका फर्स्ट गियर डाला, और मैं ये देखो आप मेरा पैर, देखो आप मेरा पैर बिल्कुल अभी ऊंचा है, अपन ने फर्स्ट गियर डाला और मेरा पैर दिखाओ, मेरे पैर जो है देखो ऊपर है, और मैंने गाड़ी छोड़ी है। ये देखो गाड़ी कैसे गाड़ी लपक मार रही है, मतलब बहुत शानदार गाड़ी अपने आप चल रही है। देखो मेरे दोनों पैर, और गाड़ी आराम से घूम रही है, गाड़ी की स्पीड है 10-12 की। तो यार ये सेकंड गियर डाला मैंने और फिर गाड़ी अपने आप उठ रही है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा,
अपने आप गाड़ी उठ रही है, अपने आप गाड़ी चल रही है। अब देखो अपन घुमाएंगे ऐसे गाड़ी, ये देखो मेरा पैर हटा रखा है मैंने यार, और गाड़ी क्या शानदार चल रही है, अपने आप गाड़ी उठ रही है एकदम बिल्कुल। तो काफी पावरफुल गाड़ी है, मानना पड़ेगा फोर्ड जो यूएस की कंपनी है गाड़ियां तो एक नंबर बनाती है। तो जो बात विशाल जी ने बोली थी गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में, इंजन के बारे में, वो बातें बिल्कुल सही साबित हो रही है। और देखो अभी मैंने छोड़ रखा है और गाड़ी, यार गाड़ी तो अपने आप चल रही है, देखो आप गाइस मेरा पैर मेरा कहाँ है और गाड़ी बिल्कुल अपने आप मुड़ गई गाड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। वरना अगर आप दूसरे ब्रांड की गाड़ी अगर देखते हो तो गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन ये देखो अभी अभी मैंने गियर डाला है और देखो आप गाड़ी अपने आप चल रही है। गाड़ी 30 मीटर दिखाएंगे जरा आप, मीटर देखो आप खुद गाइस 30 मीटर है। अब स्पीड धीरे धीरे जा रही है, तो काफ़ी पावरफुल गाड़ी है, बहुत बहुत मतलब चलाने में बहुत अच्छा लग रहा है। और स्टेयरिंग जो है वो ज़्यादा लाइटर नोट पे भी नहीं है, ज़्यादा हैवी उस पर भी नहीं है, नोट पे काफ़ी अच्छा है और रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है स्टेयरिंग का। और बहुत स्मूथ चल रही है कार यार। तो विशाल जी अगर मान लीजिए फोर्ड कंपनी अभी इंडिया में रहती तो मुझे लग नहीं है इसका कोई कंपटीटर है अभी। हाँ क्वालिटी वाइज और परफॉर्मेंस वाइज अगर इंजन का देखा जाए जो अभी फील हो रहा है, अभी आप लोग एक बात नोटिस करना, देखिए मैं यहाँ से गाड़ी घुमाता हूँ, मैं फर्स्ट गियर डालूंगा गाड़ी का और मेरा पैर देखिए आप, मैंने सिर्फ हटाया है क्लच और देखो गाड़ी अपने आप गाड़ी घूम गई, मैंने कुछ भी नहीं करा, अपने आप गाड़ी घूम रही है, बिल्कुल अपने आप गाड़ी घूम रही है। अब मैं हल्का सा एक्सीडेंट दूंगा जिससे कोई नीड नहीं, लेकिन फिर मैं दे रहा हूँ, मैंने सेकंड गियर डाला है, फिर देखिए गाड़ी अपने आप गाड़ी उठ रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अब गाड़ी 20 पे पहुँच रही है। मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी पर्सनली ये वाली गाड़ी, पता नहीं क्यों फोर्ड ने छोड़ दिया, इसका भी एक रीज़न है छोड़ने का, क्योंकि अपनी जो इंडिया गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा टैक्स की वसूली करती है, तो कुछ प्रॉफिट मार्जिन नहीं बैठ पा रहा था फोर्ड का यहाँ पे, और इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। और जो गियर है वो काफ़ी सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है आपको डीजल गाड़ी तो बहुत हैवी गियर फील होंगे कि यार बहुत ज़्यादा ऐसे टाइट गियर है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सॉफ्ट गियर है, आराम से गियर लग रहे हैं पानी की जैसे। बहुत प्यारी गाड़ी है, टर्निंग रेडियस भी काफ़ी अच्छा है, ब्रेकिंग भी शानदार है। सेकंड गियर में देखो गाड़ी मुड़ी है, मैंने क्लच छोड़ा गाड़ी अपने आप मुड़ गई, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी गाड़ी है यार। मतलब मैंने जितनी गाड़ी अभी चला के देखी है इस सेगमेंट की, उसमें वो पावर पंच फील नहीं हो रहा जो पावर पंच मेरे को इसके अंदर फील हो रहा है। XUV300 में भी इतना पंच नहीं है, डीजल में भी नहीं है, ना पेट्रोल में है जितना पंच इसके अंदर है। तो अपन गाड़ी घुमा के यहाँ पे लगाते हैं। अरे विशाल जी आपकी गाड़ी चला के तो मजा आ गया। अरे मेरे को भी खूब मजा आता है इस गाड़ी को चलाने में, बिल्कुल। और हाईवे पे इसका अलग ही परफॉर्मेंस। हाँ बिल्कुल, ये फन टू ड्राइव कार है, हाईवे में चलाने का इसका मजा ही कुछ और है। और एवरेज यार मतलब गाड़ी अभी 15.4 का एवरेज दे रही है इससे, सिटी में है, ये सिटी में है, जबकि हम लोग गाड़ी खींचते हुए लेके आए थे भी घर से, उसके बाद भी इतना अच्छा एवरेज दिया है गाड़ी ने, तो ये काफी अच्छी बात लगी। गाड़ी बहुत शानदार है, हम इस गाड़ी को अभी तक मिस करते हैं, इवन मेरा प्लान भी यही था कि मैं इस वाली गाड़ी को परचेस करूं, लेकिन जब तक गाड़ी जा चुकी थी कंपनी यहां से, तो ऐसा सब कुछ है। सो गाइस गाड़ी बहुत स्मूथ है, बहुत पावरफुल गाड़ी है, एवरेज बहुत शानदार है, डीजल गाड़ी का फील ही नहीं होता, गाड़ी डीजल है या पेट्रोल है साली, ना तो आवाज़ आती है अंदर ना कुछ होता है, बहुत अच्छी गाड़ी चलती है। और आप सोचो कि आपने गाड़ी को 2021 में गाड़ी ली थी ना, आपने 2021 में गाड़ी ने ली थी 13 लाख की ऑन रोड प्राइस की, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में कोई ऐसी गाड़ी डीजल वाली आती होगी जिसमें इतना पावर पंच है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, मेरे को नहीं लगता। आप क्या मानते हो विशाल जी? मुझे भी यही लगता है, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था, काफ़ी गाड़ियाँ चलाई थी इससे, अच्छा WRV, ओके, जो XUV भी चलाई है, अच्छा, इस बजट के अंदर जो फीचर्स फोर्ड ने ऑफर किए हैं उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, अच्छा, और परफॉर्मेंस भी सबसे अच्छी इसी की लगी मुझे, फीचर वाइज भी देखा जाए तो वर्थ इट है।
तो ऐसी बात है। ये था हमारा एक फोर्ड इको स्पोर्ट का रिव्यू, काफ़ी बहुत बहुत अच्छी बाइक, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट की बात यह है कि ये गाड़ी इंडिया से बिल्कुल अब जा चुकी है। लेकिन आपको इसके सर्विस के रिगार्डिंग जैसे विशाल जी ने बताया कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल बजट फ्रेंडली गाड़ी, आपके जेब पे इतना खर्चा नहीं बढ़ने वाला, बहुत बहुत अच्छी, बहुत सही रेट में सर्विस हो जाती है गाड़ी की, और बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आपको सेकेंड हैंड गाड़ी मिल रही है ये OLX पे कहीं पे भी, तो आप ले सकते हैं आराम से, गाड़ी चला के भी देख सकते हो, सर्विस की बिल्कुल टेंशन मत करिए, बहुत चीप होती है और मज़ा आ जाएगा आपको चला के। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको किसी भी गाड़ी का और रिव्यू जानना है बाइक का या कार का तो नीचे जरूर कमेंट करें। और विशाल जी का भी YouTube चैनल है, विशाल जी आपके YouTube चैनल का नाम तो बताइए यार। बॉडी बाइक्स एंड कार्स, तो विशाल जी का है बॉडी बाइक्स एंड कार्स। अब आप देख के इनकी बॉडी देख ही चुके हैं, एकदम स्लिम बिल्कुल फिट हैं, वैसे इन्होंने अपना नाम रखा है। तो इनके चैनल पे अगर आपको देखना है तो बहुत अच्छे बाइक रिव्यूज मिलेंगे आपको, कार रिव्यूज मिलेंगे, इनको बहुत अच्छी डीप नॉलेज है, तो इनके जरूर देखिए आप। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगा चैनल का, तो पक्का एक बार चेकआउट करिए। और आप बताइए कुछ बोलना। थैंक यू वेरी मच शुभम। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपने यही बोलेंगे कि ड्राइव सेफ, बी रिस्पॉन्सिबल, एक्सप्लोर योर इंजन एंड पावर ऑफ योर कार। बिल्कुल, बहुत बहुत बेटर प्लेस। बिल्कुल, तो आपने सुना होगा विशाल जी ने जो बोला, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच विशाल जी, आपको भी थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त निकाला, आपकी गाड़ी लेके आए आप, थैंक यू सो मच। तो गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो में, कमेंट करिए आपको क्या देखना है, सब आपके सामने हासिल होगा, सब आपके सामने हाजिर होगा। थैंक यू सो मच।